गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फोर्थ चैप्टर अल्टीट्यूड्स एंड मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के अल्टीट्यूड्स यानी क्या होता है और मीडियंस यानी क्या होता है, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है और वो हमें कंस्ट्रक्ट भी करने हैं। तो पहले हम देखेंगे अल्टीट्यूड का मीनिंग। अल्टीट्यूड यानी क्या होता है, देखो, द परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑन द साइड अपोजिट टू इट इज कॉल्ड एन अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। अल्टीट्यूड यानी क्या, देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल ABC, ओके। अब ट्रायंगल को तीन वर्टेक्स होते हैं, तीन साइड्स होते हैं, जैसे ABC, ये तीन वर्टेक्स हो गए और AB, BC एंड AC, ये तीन साइड्स है। तो अल्टीट्यूड का मतलब क्या है, जो वर्टेक्स आप कंसिडर करोगे उस वर्टेक्स के अपोजिट साइड पर, उस वर्टेक्स से लेके जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है उसको बोला जाता है अल्टीट्यूड। अब परपेंडिकुलर यानी क्या, 90 का एंगल बनता है। जैसे कि ये फिगर देखो, यहाँ पे बी वर्टेक्स कंसिडर किया है और बी से, बी के अपोजिट साइड कौन सी है, अपोजिट यानी उसके सामने वाली, AC, ओके। सो बी वर्टेक्स से AC साइड पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो AC को Q पॉइंट में मिलता है और वहाँ पे 90 का एंगल बता दिए। सो BQ क्या हो गई, अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC। इसी तरीके से आप A वर्टेक्स लेकर BC पर परपेंडिकुलर बना सकते हो, C वर्टेक्स लेकर AB पर परपेंडिकुलर बना सकते हो। तो ये जो परपेंडिकुलर बनेगा वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर, तो उसको बोला जाएगा अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट BQ इज एन अल्टीट्यूड ऑन द साइड AC। देखो ये दिख रहा है आपको BQ, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स B ऑन अपोजिट साइड AC। सो इस तरीके से अल्टीट्यूड का मीनिंग है। अल्टीट्यूड यानी क्या होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑन द साइड अपोजिट टू इट। अब हम पढ़ेंगे अल्टीट्यूड्स में, जैसे एक्यूट एंगल में, ऑब्ट्यूस एंगल में और राइट एंगल में अल्टीट्यूड्स किस तरीके से बनते हैं और उनके सेंटर्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। देखो अ ट्रायंगल हैज़ 3 अल्टीट्यूड्स। ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स होते हैं तो तीनों वर्टेक्स से हम अपोजिट साइड पे अल्टीट्यूड बना सकते हैं। तो ट्रायंगल हैज़ 3 अल्टीट्यूड्स। नेक्स्ट पॉइंट, द अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। द अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट यानी क्या, वो एक दूसरे को एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो AX, BY, CZ इनका एक इंटरसेक्शन पॉइंट है सेंटर में। सो कॉन्करेंट, अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द 3 अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। यानी ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स से जब आप तीन अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो तो वो तीन अल्टीट्यूड जिस पॉइंट में मीट करते हैं उस पॉइंट को ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल बोला जाता है, ओके। सो अभी हमने क्या पढ़ा, ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल को तीन वर्टेक्स है तो तीन अल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर सकते हैं, तीनों अल्टीट्यूड्स एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को बोला जाता है ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। सो देखो हमने यहाँ पर उस ऑर्थो सेंटर को नाम दे दिया। सो ओ इज मोस्टली हम ऑर्थो सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं। सो यहाँ पे ऑर्थो सेंटर कौन हो गया, ओ। सो ओ इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल।
अब हम देखेंगे लोकेशन ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, यानी ऑर्थो सेंटर की लोकेशन ट्रायंगल में कहाँ पे होती है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो हमें पता है एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल और ट्रायंगल में फ़र्क है, ओके। राइट एंगल यानी 90 डिग्री, एक्यूट यानी 90 से छोटा, ऑब्ट्यूस यानी 90 डिग्री से बड़ा। तो यानी जब हम राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करेंगे तो देखो पहला पॉइंट है ऑर्थो सेंटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल, यानी राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ मिलेगा। 90 डिग्री का जो एंगल होता है उससे आप यानी 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस पे जब आप 90 डिग्री से लेके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो उस हाइपोटेनियस को जहाँ टच करता है वो रहेगा ऑर्थो सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। आप राइट एंगल ट्रायंगल में जो बचे हुए दो वर्टेक्स है उसमें से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देखो अपोजिट साइड में, नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए इन राइट एंगल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज द वर्टेक्स ऑफ दैट राइट एंगल। सो देखो यहाँ पे फिगर है ए बी सी, उसमें बी एंगल 90 डिग्री का है, तो बी से हमने ए सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, उसको नाम दे दिया है पी, तो बी पी हो गई अल्टीट्यूड, ओके, और पी हो गया ऑर्थो सेंटर ऑफ वर्टेक्स, ओके, ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी के वर्टेक्स पी इज द ऑर्थो सेंटर। अब ये हमने एक्यूट एंगल में देखा, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल में देखा। अब हम देखेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऑब्ट्यूस और एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ मिलेगा। अब देखो ये जो ए बी सी ट्रायंगल कंसिडर हमने किया है वो ऑब्ट्यूस है, यानी 90 डिग्री से बड़ा है। सो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में हमें ऑर्थो सेंटर कहाँ मिलेगा, वो मिलता है ट्रायंगल के एक्सटेरियर पोर्शन में। जैसे कि देखो यहाँ पर रेड में एस लिखा है, सो एस इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो द ऑर्थो सेंटर ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल इज इन द एक्सटेरियर ऑफ द ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में हमें ऑर्थो सेंटर एक्सटेरियर पोर्शन में मिलता है। सो देखो कैसे मिला, यहाँ पे बी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसको एक्सटेंड किया, फिर उसके बाद हमने ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जैसे बी सी को इधर एक्सटेंड किया, नाम दे दिया आर, और उसके बाद ए बी को एक्सटेंड किया, वहाँ नाम दे दिया पी। तो तीनों परपेंडिकुलर जहाँ मिले वहाँ पे हमने एस लिखा है, और वो एस हो जाएगा ऑर्थो सेंटर ऑफ फॉर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब हम देखेंगे ऑर्थो सेंटर ऑफ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का इंटीरियर में मिलता है। देखो ये ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें मैंने तीनों वर्टेक्स से एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो ओ में मीट हुआ है, सो ओ इज़ द ऑर्थो सेंटर फॉर एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यानी ऑर्थो सेंटर यानी क्या होता है, फिर से मैं सारे पॉइंट्स रिपीट करवा रही हूँ। ऑर्थो सेंटर यानी जहाँ पे ट्रायंगल के तीनों अल्टीट्यूड मीट करते हैं उसको बोला जाता है ऑर्थो सेंटर। उसके बाद उसमें हमने तीन कंडीशन देखे, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड एक्यूट एंगल। सो एक्यूट में ऑर्थो सेंटर हमें इंटीरियर पोर्शन में मिलता है, उसके बाद ऑब्ट्यूस में हमें ऑर्थो सेंटर एक्सटीरियर पोर्शन में मिलता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर हमें हाइपोटेनियस पर मिलता है। सो इस तरीके से हमने अल्टीट्यूड पढ़ा। अल्टीट्यूड यानी क्या होता है, परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑन द साइड अपोजिट टू इट्स कॉल्ड एज अल्टीट्यूड। उसके बाद हमने पढ़ा ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। सो ये सारे पॉइंट्स हमने आज पढ़े हैं। इसके बाद अभी हम पढ़ेंगे मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। अब देखो मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, मीडियन यानी क्या होता है, द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। मीडियन वर्ड ही एक्सप्लेन करता है मिड पॉइंट, ओके। अब मीडियन यानी क्या, जैसे कि अल्टीट्यूड यानी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर निकाला जाता है उसको अल्टीट्यूड बोलते हैं, लेकिन
वर्टेक्स से जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं अपोजिट साइड पे, और वो लाइन उस अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जब मिलती है तो हम उसे मीडियन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, आप एच एफ सी ट्रायंगल देख रहे हो। इस एच एफ सी ट्रायंगल में मैंने एच से एक लाइन ड्रॉ की है जो एफ सी के मिड पॉइंट एम को मिल रही है, यानी एम की वजह से, एच एम की वजह से एफ सी एग्जैक्ट दो पार्ट में डिवाइड हुई है, इसीलिए एच एम इज़ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। सो हियर एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड एफ सी एंड सेगमेंट एच एम इज़ द मीडियन। अब अल्टीट्यूड में हमने ऑर्थो सेंटर देखा था, अब हमें जब ट्रायंगल में हम तीनों वर्टेक्स से जब मीडियन बनाएंगे तो जो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है उसे क्या बोला जाता है वो पढ़ेंगे। देखो, सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्रायंगल, जैसे कि ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स है तो तीन अल्टीट्यूड बना सकते हैं, उसी तरीके से ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स है तो तीन मीडियंस भी बना सकते हैं। जिस तरीके से अल्टीट्यूड कॉन्करेंट होते हैं यानी एक पॉइंट में मिलते हैं, उसी तरीके से मीडियंस भी एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं तीनों मीडियंस। उसके बाद द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द थ्री मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉयड। अल्टीट्यूड्स के पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं और मीडियंस के पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को हम सेंट्रॉयड बोलते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रॉयड कौन है? जी, आप देख सकते हैं सभी साइड्स पर इक्वल इक्वल मार्किंग किया है, यानी वो बी ए और सी, ये तीन मिड पॉइंट्स है ट्रायंगल के तीन साइड्स के, और जी ये क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। सो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को ही सेंट्रॉयड बोला जाता है। सो आज हमने सारा इंट्रोडक्शन देखा, ट्रायंगल्स के मीडियन अल्टीट्यूड क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, अल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, मीडियंस के पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को सेंट्रॉयड बोलते हैं ट्रायंगल का। उसके बाद में हमने एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ मिलता है वो देखा। एक्यूट में इंटीरियर पोर्शन में मिलता है, ऑब्ट्यूस में एक्सटीरियर पोर्शन में मिलता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस पर मिलता है ऑर्थो सेंटर। सो इस तरीके से हमने ये सारे इंट्रोडक्शन पोर्शन किया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एग्जैक्टली अल्टीट्यूड मीडियन कंस्ट्रक्ट कैसे करना है वो पढ़ेंगे।